क्या हुआ? पापा मैं जानता हूँ मेरी गलती है, और मैं उस दिन पार्टी के बाद आपको आके बताने भी वाला था, बट इशिमा बहुत अपसेट थी। मैंने सोचा अगर मैं तभी आपको बता दूंगा तो और गुस्सा हो जाएगी, मुझे और डांटेगी। मैं बहुत डर गया था पापा। इशिमा गुस्से में तो थी, लेकिन वो बिना किसी वजह के गुस्सा नहीं करती। आई नो पापा, मेरी बहुत केयर करती है, बट दिस इज नॉट फेयर। उन्होंने मेरी क्लास में आके मेरे सारे फ्रेंड्स को डांट दिया, और उसे भी डांटा जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर इशिमा ऐसे ही करती रहेगी मेरे सारे फ्रेंड्स को लगेगा कि मैं ममाज बॉय हूँ। तेरी इशिमा में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है यार, लेकिन वो प्रॉब्लम दुनिया की हर माँ में। वो बच्चों से बहुत प्यार करती। तुझे जुकाम होगा ना तो नागेशिमा की बहन लगेगी, तुझे बुखार होगा तो उसका पाला चढ़ जाएगा। दुनिया की हर माँ इतना ही प्यार करती है अपने बच्चे से। हम डैड क्या करते हैं, सिर्फ बच्चों को बिगाड़ते हैं, लेकिन जब बच्चों में तकलीफ आती है ना तो चट्टान बन के सामने तकलीफ का सामना माँ करती। मैंने समझ सही। तो एक काम कर, अगली बार ऐसा कुछ भी हो ना तो आके सीधा मुझे बता दे, इशिमा को मैं संभाल लूंगा। आई नो पापा, मुझे बहुत डर लगा है। आई होप वो मुझ पर वापस नहीं चिल्लाएगी। नहीं नहीं, वो प्राणी डरने लग तो है, लेकिन एक काम कर, मैं कोशिश करूंगा कि तुझे कम डांट पड़े और कम सजा मिले। पटाता उसको। हाँ चलो, ये सोच। आई होप विनी को ज्यादा डांट ना पड़ी हो, मेरी वजह से उसे भी डांट पड़ गई। किचन में कौन है? पेरियप्पा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मीका ये देख, तेरा पेमेंट सेक्शन। आह थैंक यू। पेरियप्पा ये किचन में कौन है? वो बेरम्मा घर का खाना बनाने के लिए आई है। तुम्हें मधु ने बताया नहीं कि वो अपनी नेचुरोपैथी के लिए अपनी किसी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही है? तो खाना यही बनाएगा और घर के काम भी करेगी। अच्छा ठीक है, ओके। आप वीनम्मा है ना? हेलो, मैं मिका। अच्छा सुनिए, मुझे काम पे जाना है तो आप मेरा लंच पैक कर दीजिए। डोसा के साथ सिर्फ चटनी, नो सांबार। जी अक्का, थैंक्स। काम होता है तो बार बार फोन करता है ना, खड़ूस एक भी फोन नहीं करता। लिखूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। विनी को कैसे बताऊं कि मैं कितना गिल्टी फील कर रहा हूं। आदि अगर तू ऐसे ही करता रहा ना तो पूरे साल कुछ नहीं लिख पाएगा। ऐसे सोच, अगर विनी तेरे सामने होती तो तू उससे क्या कहता। आई होप सिर्फ विनी मेरा अपॉलजी लेटर एक्सेप्ट करे और मुझे माफ कर दे। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उससे तुम बहुत सैड हो, प्लीज फॉरगिव मी। आदि बाबा, दादी आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है। अच्छा ठीक है, आप जाओ। गॉड, ये हॉलीडेज में आजकल बच्चों को इतना होमवर्क दे देते ना, हॉलीडेज का कोई मतलब ही नहीं। अप्पा श्रवण को टाइम ही नहीं मिलता है खेलने का। तुम्हारा चेकअप हो गया बेटा? हाँ अप्पा, एवरीथिंग इज फाइन। अरे बेटा तू ये खाना क्यों ले आई? हमने मेड रखी है ना खाना बनाने के लिए। अप्पा बट मुझे नहीं पता था ना, अम्मा टोल्ड मी शी इज गोइंग फॉर द नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट, तो मुझे लगा मैं खाना ले आती हूँ। वीनम्मा, ये वीनम्मा कहाँ है? पेरियप्पा वेयर इज वीनम्मा? वो तो चली गई। Oh my God, पेरियप्पा मेरे बैंगल्स नहीं मिल रहे। What? मैंने पिल्लो के नीचे रखे थे और अब मिल नहीं रहे। कबर्ड सब कुछ चेक कर लिया, पता नहीं कहाँ चले गए। I knew it। अप्पा आप ऐसे किसी को कैसे काम पे रख सकते थे? बेटा वो तुम्हारी अम्मा रखवा के गई थी ना, अब मैं भी। दादा! अप्पा अम्मा के पैसे भी मिसिंग हैं। Damn it! मेरा फाउंटेन पेन भी गायब है। God, एक सेकेंड, ऐसे किसी को कैसे रख लिया? I don't understand this। अरे मैं क्या बताऊँ बेटा। मीका कौन है? कम इन। हाय नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। व्हाट टाइमिंग? चोरी हुई नहीं की? पुलिस हाजिर? तूने बुलाया क्या इन्हें? नहीं इन्होंने नहीं बुलाया, वो मैं खुद ही चला आया। कल के इंसिडेंट के बाद मुझे लगा कि आई शुड कम एंड चेक। आप मुझे देखने आए? हाँ ऑफ कोर्स आपको ही देखने आया। मतलब आप कितनी परेशान हो गई थी कल। गलती मेरी है एक्चुअली। वो सिविलियंस के एरिया में जाके मुझे क्या जरूरत थी उन गुंडों को पकड़ने की। Okay, आप इतना क्यों समझा रहे हैं? आपने कह दिया, मैंने मान लिया कि आप मुझे देखने आए हैं। वैसे हमारे घर में चोरी हुई है। क्या? हाँ। किस चीज की? वो एक्चुअली हमने एक नई कुक रखी थी, तो मिहिका की बैंगल्स, अपा का फाउंटेन पेन और किचन में जो अम्मा का डब्बा रहता है उसमें से कुछ पैसे भी। एंड ये सब हमारे सामने हुआ। आई मीन इट्स सो शॉकिंग। यस। डोंट वरी, आई एम श्योर आई विल फाइंड हर। या वो तो हम श्योर है कि विल फाइंड हर। आफ्टर ऑल आप इतने होशियार जो है ना करना? कुछ बताइए ना उसके बारे में। कैसी दिखती थी? हाँ। क्या पहनती हैं? वो थोड़ी डिटेल्स दी। हाँ, उसका नाम वेनम्बा है। Okay. और मेरी वाइफ ने उसे 2-3 दिन के लिए रखा था घर पे काम करने के लिए। वो मेरी वाइफ कहीं बाहर गई है। Okay. यही पड़ोस की कॉलोनी से किसी लेडी ने भेजा था। इसके अलावा आई डोंट नो एनीथिंग। राइट, ओके। और आपके कितने बैंगल्स चोरी हुए हैं आप बता? एक्चुअली आई हैव हाफ अ डजन। 6 है तो 5 मिसिंग है, अभी एक ही है। सो 5। आप मुझे जगह दिखा सकती हैं कि कहाँ चोरी हुई? Of course, Mika, please take him to the room for the sake of duty. चलो चलो चलो, go go. It's that side. चलो. Right. आइए. Please. क्या बंधु? घर में चोरी है तो यहाँ से आ रही है? मैं बताती हूँ. Wait. तो ये है आपका रूम? या। और यहाँ पे आप सोती हैं? नहीं, मैं उस तरफ बेडिंग लगा के जमीन पे सोती हूँ। गुड जोक। कंप्लेन कर रही है उसमें भी टशन। क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि फेस किस तरफ करती है, ईस्ट या वेस्ट? इसका तहकीकात से क्या लेना देना? नहीं, तहकीकात से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, यू नो, ठीक है। तो पेरियप्पा से भी पूछेंगे। नहीं, पेरियप्पा का मुझे क्या करना है, वो जहाँ मर्जी सोए जहाँ मर्जी सोती होंगी। इट डजंट मैटर। पेरियप्पा मतलब बड़े पापा। ओ, अंकल। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पे ना मैं अपने पिलो के नीचे अपने बैंगल्स रख के सोती हूँ और आई थिंक एक कवर में रह गया था तो बच गया, बाकी मिल नहीं रहा। कवर में रह गया था? हाँ। ओके, 1 सेकेंड। क्या कर रहे हो? वो एक बैंगल रहेगी थी ना, वो मिल जाएगी यहाँ पर। तुम्हें एसीपी किसने बनाया? क्यों? बैंगल यहाँ है। ओह, बैंगल वहाँ है। दिखाओ तो जरा। हाथ से देखेंगे। Can you just bring that close? हाँ, हरा सोना है? नहीं, पीतल है। सब कुछ फेक नहीं होता। Again, you're joking. नहीं, what I'm trying to say is कि अब इतने साल पुलिस में बिताने के बाद असली और नकली की पहचान तो मुझे हो ही गई है ना। What I'm trying to say is, ये बैंगल आप मुझे दे दो, बाकी सब ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, बट लौटा देना। फंस गया लगता है। Let me help you. इन्वेस्टिगेशन मैंने कर ली है, ये नोट्स भी बना लिए मैंने, सो होपफुली सून आई गेस। ओके ग्रेट। गुड मॉर्निंग पापा। सॉरी इशिमा, मैंने कल आपसे इतने रूडली बात की, मैं जानता हूँ मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई एम वेरी सॉरी। इट्स ऑल राइट आदि, जब तक कि तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुमने क्या गलत किया था, आई एम ओके विद इट। आदि पता है क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता बाहर के लोग आके तुम्हारे बारे में कुछ कहें। आई रियली हेट इट। मैं नहीं चाहती है कोई छोटी सी गलती तुम्हारी लाइफ स्पॉइल कर दे। मुझे पता है कि मेरा आदि ठीक है, लेकिन दुनिया वालों को नहीं पता ना, उनके सामने ये बात तुम्हें प्रूव करना होगा। आई नो इशिमा, आई प्रॉमिस आई ऑलवेज बी केयरफुल। गुड बॉय। रमन आज आप छोड़कर आ जाओगे इसे? नहीं नहीं, रूमी चाचू बाद मेरा वेट करे, वो मुझे ड्रॉप करने वाले। ठीक है तो क्लास के बाद पिकअप मैं कर लूंगा। ओके बाय बाय। चलिए मैं चलता हूँ। सॉरी अंकल। नहीं नहीं, अभिषेक जितनी जल्दी हो सके वीना माँ के बारे में बता देना प्लीज। हाँ कोई बात नहीं, उसका बैकग्राउंड चेक करके मैं तुम्हें बताता हूँ। ओके सी यू। सी यू। अच्छा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कब कुछ कहा? तुम मुझसे बात करोगे तो तुम्हारे डैड को अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों? तुम तो मेरे फ्रेंड हो ना, और ये मेरी लाइफ है। मैं किसी से भी बात करूं, किसी को भी अपना फ्रेंड बनाऊं। और मुझे पता है कि तुम कितने अच्छे हो, तो मैं तुमसे बात करना क्यों बंद कर दूं? विनी ये क्या है? एक्चुअली भी ये नोट की कोई जरूरत नहीं है। मिनी मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ फॉर एवरीथिंग। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? फ्रेंडशिप में नो सॉरी नो थैंक यू। कम ऑन किड्स, आज साइंस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग अपनी टीम फॉर्म करेंगे। हर टीम में 2 मेंबर्स रहेंगे, और मैं सजेस्ट करूंगी कि सब लोग अपने अपने पार्टनर्स खुद चूज करेंगे। मैम मैं आयुष्मान के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। मैम मैं आदि के साथ प्रोजेक्ट करूंगी। विनी और हम साथ में प्रोजेक्ट कैसे करेंगे? उसके लिए हमें साथ में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट पे। रिलैक्स आदि, व्हाट्स अ बिग डील। मैं तुम्हारे घर पे आके प्रोजेक्ट कर लूंगी ना, ठीक है? इश्मा तो विनी को घर के अंदर आने ही नहीं देगी, अब मैं क्या करूं? ये पेपर तो एसीपी के हाथ में था ना, कुछ जरूरी होगा। मुझे पता है मेरी वजह से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उससे तुम बहुत सैड हो। मैंने जो भी किया उस सब के लिए आई एम वेरी सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। तो ये सब चोरी वगैरह तो बहाना था, कोई तुमसे सॉरी बोलने आया था मीका। नाइस, सॉरी बोलने का स्टाइल अच्छा लगा अभिषेक। मैम कुछ तो सोचिए, मतलब आपको कुछ भी नहीं पता? अरे एम्प्लॉय थी आपके यहाँ पे, कोई तो रिकॉर्ड होगा इसका। इस लड़की का चक्कर क्या है, हर रोज कोई ना कोई उठ के आ जाता है इसके बारे में पूछने। उस दिन भी वो आदमी आया था। देखो अगर ये गुम हुई है तो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दो या अखबार में इश्तेहार दे दो, लेकिन प्लीज हम लोगों को छोड़ दो। कौन है साहब बताएंगे? प्लीज 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 आप आगे जाइए प्लीज, सब बताइए। का को कौन ढूंढ सकता है यार? क्यों बोला था ना साइड क्लास ज्वाइन कर ले, फायदे में रहेगा। पापा इज ऑलवेज राइट बेटा। कैसा क्या हुआ? वो पापा हो हिटलर का खौफ। आ जा इधर, क्या किया बता, बात क्या है? वो एक्चुअली हमें साइंस क्लास में प्रोजेक्ट दिया और वो प्रोजेक्ट हमें पार्टनर्स के साथ करना है और मेरी पार्टनर विनी, और अगर विनी घर पे आएगी तो इश्मा बहुत गुस्सा हो जाएगी, फिर से हमें मिसअंडरस्टैंड करेगी। पापा, मैं विनी के बिना प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे विनी के साथ ही प्रोजेक्ट करना है। प्लीज प्लीज कुछ तो आइडिया लगाओ, आप इतने स्मार्ट हो पापा। चाहता है कि तेरी दोस्त विनी हमारे घर पे प्रोजेक्ट करने के लिए। अच्छा, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, ओके, जस्ट अ गुड फ्रेंड। बेटा तेरा पापा ऐसे नहीं बनाए। हाँ ठीक है, बहुत गुड फ्रेंड हमारी भी थी। ये सच में सिर्फ फ्रेंड है, ओके? तो चेक मत ज्यादा। तू चाहता है कि मैं ऐसा कुछ प्लान करूं कि शिमा घर पे ना हो और विनी घर पे आ सके, तभी तो प्रोजेक्ट कर पाएंगे। बेटा प्रोजेक्ट तो तुम करोगे ही, तो उसके लिए पापा को कुछ करना पड़ेगा ना। चल ठीक है, तेरा ये वाला प्रोजेक्ट पापा बना के देंगे तुझे। थैंक यू। लेकिन अंदर जाके चुप बैठना, मुंह मत खोलना अपना। अरेंज। चल ये लीजिए अंकल, देख लीजिए इनमें से। अभिषेक, अरे मीका देखो, एसीपी ने चोर पकड़ भी लिया। और ये 5 पेन लाए कि मैं इसमें से पहचान लूं कि मेरा वाला कौन सा है। और हाँ, तुम्हारे बैंगल्स भी मिल गए। मुझे एक बात तो माननी पड़ेगी, दिल्ली पुलिस बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा। वेरी गुड, वाओ, दिस इज अमेजिंग। Your bangles. Thank you. मीका, इसी बात पे कॉफी हो जाए, क्यों? हाँ जी बिल्कुल, अभी बना के लाते। Thank you so much. No problem. आपने बहुत जल्दी सारा चोरी का सामान पकड़ लिया, मेरा पेन मुझे मिल गया। अरे ये तो मेरी ड्यूटी है। एक सेकेंड अंकल, कौन फोन कर रहा है? हेलो, ओके, मैं पहुंचता हूँ। मीका, कॉफी रहने दो, I'll have to go. अंकल कोई जरूरी कॉल आ गई है, सो आई टेक योर लीव। नहीं, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, सी, बाय बाय मीका। ओहो, कोई बात नहीं, अब उसने सॉरी बोल ही दिया है मीका, तो ऑल राइट, बाद में बोल देना उसे। मीका, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आती हूँ। मम्मी जी, क्या सोच रही थी कि राजमा बना ले शाम के लिए? अप्पा को बहुत पसंद है ना, और अम्मा नहीं है तो उनके लिए भी भिजवा देंगे। हाँ बना ले, ठीक है, देती हूँ ना, फटाफट दिखा दे। और वो आदि कहाँ है? आदि अप्पा से मिलेंगे, देखने गए कि अम्मा के बिना क्या हाल हो रहा है। मुझे तो मैं इतना मिसिंग कर रही हूँ समदनू। तो बेचारे समधी जी का सोचो, उनके तो कान पक गए होंगे उसकी बक बक सुने बगैर। मम्मी जी, आपका और अम्मा का ये जो प्यार है ना, मुझे बिल्कुल समझ भी नहीं आता है, अलग हटके है ये। अच्छा, मैं पापा को देखकर आती हूँ उनको। अब अरे दरअसल 2 मिनट चैन की सांस तो ले ले यार, बंदे के पास सरप्राइज है तुम सबके लिए। क्या सरप्राइज? सरप्राइज? जी हाँ माँ, आप सब लेडीज के लिए सरप्राइज है मेरे पास। ओए सिमी, ओ आके देख, रमन सरप्राइज लेके आया है। मैंने सोचा है कि तुम सब लेडीज क्यों ना आज स्पा चली जाओ, ब्यूटी को रीजनरेट करें और थोड़ा स्ट्रेस फ्री हो जाए। रीजनरेट मंजीदे हेट, आप सिर्फ जाइए माँ, वो सब करेंगे जो करना है। तो रिकी को भी मैंने बोल दिया है, वो पहुंच जाएगी 6 बजे तक। ठीक है, लेकिन अचानक ये ट्रीट, मतलब ओकेजन क्या है? यार माँ देखो, कमाल है, किस जासूस से शादी करवाई आपने? कुछ करो तो शक करती है और ना करो तो कहती कुछ करते नहीं। हद है यार। हाँ तो ठीक है ना इशिता, चलना, अपन भी एंजॉय करते हैं। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। तो बच्चों का क्या होगा? अरे बच्चों का, इसलिए तो ऑफिस से जल्दी आया हूँ, मैं और रोमी संभालेंगे बच्चों को, तुम लोग जाओ। हाँ बहुत बढ़िया, ओके ठीक है, मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। 6 बजे का अपॉइंटमेंट है तो 5:30 तक पहुँच जाना। चल जल्दी कर, फटाफट फटाफट। आदि का प्लान सक्सेसफुल हो गया, आदि और उसकी स्पेशल फ्रेंड इशिमा भी घर पे थी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।